अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे फाइलम मोलस्का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्ड मोलस्का है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, इस फाइलम का नेम फाइलम मोलस्का क्यों रखा गया है। तो जो फाइलम मोलस्का है, इसका जो वर्ड मोलस्का है, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड मोलस्का फ्रॉम मोलिस विच मीन्स एज सॉफ्ट। ठीक है, फाइलम मोलस्का जो जो है ये एक, इसका जो वर्ड जो है ये एक लेटिन वर्ड से निकला है मोलिस, जिसके मीनिंग होते हैं सॉफ्ट। क्योंकि फाइलम मोलस्का के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी वजह से इस फाइलम को फाइलम मोलस्का का नेम दिया गया है। तो अब सबसे पहले हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स फाइलम मोलस्का की स्टडी करेंगे और उसके बाद इसकी डायग्राम को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हम देखते हैं कि जो फाइलम मोलस्का है, इट इंक्लूड्स सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स। जितने जो भी सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो फाइलम मोलस्का के अंदर आते हैं, हैविंग एक्सटर्नल शेल। और इनका एक मेन करैक्टर ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल शेल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल शेल होता है, और शेल के अंदर इनकी सॉफ्ट बॉडी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये होते हैं मोलस्कन्स। और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमिलिया। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये आता है कि ये जो फाइलम है, ये फाइलम किंगडम एनिमिलिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, आफ्टर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है दैट इज़ फाइलम मोलस्का। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है, वैरायटी आती है ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, मोस्टली दे आर मैरिन। इसके अंदर जो मोलस्कन्स होते हैं ये मोस्टली मैरिन होते हैं, जो कि मैरिन वाटर बॉडीज़ के अंदर रहते हैं, ओशंस के अंदर रहते हैं, सीज़ के अंदर रहते हैं। मैरिन इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा सम आर फ्रेश वाटर, सम जो होते हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, एंड सम आर ट्रस्टल, और कुछ जो होते हैं वो ट्रस्टल होते हैं, जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं। लैंड के ऊपर जो मडी एरिया होते हैं, मतलब जहाँ पर मोइस्ट एरियाज जो होते हैं वहाँ पर जो रहते हैं वो ट्रस्टल कहलाते हैं। तो इनके हैबिटेट के अंदर आता है कि मैरिन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी रह सकते हैं, और ट्रस्टल इन्वायरमेंट के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके अंदर थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं कि दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके अलावा इनकी बॉडी कैविटी के बारे में देखें तो ये सीलोमेर्स होते हैं। सीलोमेर्स का मतलब ये है कि इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। और इसके जो लेवल है वो देखें तो इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होता है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो बन चुके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनके अंदर बाईलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाईलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिजम को उसके सेंट्रल प्लेन से, सेंट्रल एक्सिस से कट किया जाता है, और उसके रिजल्ट में उसकी दो इक्वल हाफ्स बनती हैं, दो इक्वल लेटरल साइड्स बनती हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं। तो इनके अंदर बाईलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बॉडी पार्ट्स को अगर हम देखें तो इसमें आता है कि बॉडी हैज़ टू पार्ट्स। इनकी बॉडी के अंदर टू पार्ट्स होते हैं, नंबर वन इज़ हेड फुट पार्ट एंड नंबर टू इज़ विजरल मैस। ये दो मेन पार्ट्स इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें हेड और फुट को अगर देखा जाए तो ये दो पार्ट्स भी हो सकते हैं, इनको हम दो पार्ट्स भी कह सकते हैं। हेड को अलग कहें और फुट को अलग कहें तो ये दो पार्ट्स भी हो सकते हैं, और फिर विजरल मैस। तो इस तरह इनकी बॉडी के थ्री मेन पार्ट्स भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हेड और फुट को मिलाकर एक ही पार्ट का नेम दे दिया गया है, हेड फुट पार्ट। क्योंकि इनका जो हेड और फुट होता है वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, इस वजह से इनको एक पार्ट का नेम भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर टू मेन पार्ट्स इसलिए कहा गया है कि हेड फुट पार्ट को एक पार्ट कह दिया और विजरल मैस को दूसरा पार्ट कह दिया, तो ये दो मेन पार्ट हो गए इनकी बॉडी के। तो अगर डायग्राम के अंदर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है, इस साइड वाला, ये हेड पार्ट होता है, और बाकी ये सारा जो एरिया है नीचे वाला, ये सारा जो है ये फुट पार्ट कहलाता है। तो हेड और फुट क्योंकि एक दूसरे से मिले हुए होते हैं तो इस वजह से ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, ये सारा, ये हेड फुट पार्ट कहलाता है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है एरिया सारा, इसको विजरल मैस कहते हैं। और ये जो विजरल मैस होता है, इसके अंदर बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इस मैस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम जो है इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको विजरल मैस कहते हैं। तो ये दो मेन पार्ट्स इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, मेंटल सीक्रेट्स अ कैलकेरियस शेल। अब जो एक मेंटल प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंटल को लेबल किया होगा कि ये वाला जो पार्ट है, दिस नहीं किया, यहाँ पे कर देती हूँ, दिस इज़ अ मेंटल। मेंटल जो है ये इनके विजरल मैस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको मेंटल कहते हैं,
और मेंटल जो है ये एक सिक्रीशन करता है सेल की, सेल की फॉर्मेशन करता है मेंटल, ठीक है। तो मैंने बताया कि इनके अंदर एक और मेन कैरेक्टर ये होता है कि इनकी बॉडी के ऊपर एक आउटर एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट होता है। तो वो शेल कैसे बनता है, जो मेंटल होता है इनकी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है जिसको मेंटल कहते हैं, ये मेंटल क्या करता है, सिक्रेशन करता है कैल्केरियस शेल की। कैल्केरियस शेल मीन्स ये कि वो शेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, इसलिए उसको कैल्केरियस शेल कहते हैं। तो मेंटल सीक्रेट्स द कैल्केरियस शेल, इट कवर्स द विजरल मैस। और ये जो मेंटल जो है कैल्केरियस शेल को बनाता है, और वो शेल जो होता है फिर इस पूरे विजरल मैस को कवर कर लेता है, ठीक है। इस तरह पूरे विजरल मैस को वो कवर कर लेता है। तो यहाँ पर जो है ये शेल जो है ऊपर वाला, ये वाला जो है ये सारा क्या है, ये शेल है, दिस इज, ये सारा क्या है, ये शेल है। और शेल किसने बनाया है, मेंटल ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी जो होती है ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये जो सिलोम होता है ये रिड्यूस्ड होकर एक कैविटी बना लेता है, जिसको जो मेंटल कैविटी फिर कहलाती है। और ये कैविटी जो होती है ये मेंटल और विजरल मैस के दरमियान में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर मेंटल कैविटी जो होती है ये मेंटल और विजरल मैस के दरमियान में प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर इसके फंक्शंस देख लेते हैं मेंटल कैविटी के। ये एक्सक्रीशन के अंदर रोल प्ले करती है, गैसियस एक्सचेंज के अंदर यानी कि रेस्पायरेशन के अंदर, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्टेज के अंदर, ये डाइजेस्टिव वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, और रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स। और जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, स्पर्म्स और एग्स, उनको बॉडी से रिलीज करने के लिए भी मेंटल कैविटी ही रोल प्ले करती है। तो ये मेंटल कैविटी के कुछ फंक्शंस हैं। उसके बाद इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि जो मोलस्कन्स होते हैं इनके अंदर प्रोटोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब हमें पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो टू टाइप के होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं उनको, कुछ को प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। प्रोटोस्टोम्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर उनकी अर्ली स्टेजेस पर माउथ की फॉर्मेशन पहले होती है और एनस जो है वो एंड पर बनता है, बाद में बनता है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एनस की फॉर्मेशन पहले होती है और माउथ की फॉर्मेशन बाद में होती है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फाइलम मोलस्का है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये प्रोटोस्टोम्स कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। इनके अंदर माउथ की फॉर्मेशन जो है वो पहले होती है, ठीक है। प्रो कहते हैं पहले, स्टोम कहते हैं माउथ को। तो इसके अंदर माउथ की फॉर्मेशन पहले होगी और एनस बाद में बनेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटोस्टोम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और प्रोटोस्टोम्स ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इनका जो लार्वा होता है इसको कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। जितने भी प्रोटोस्टोम ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके लार्वे का जो नेम होगा उसको कहेंगे ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। इनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है और शिजोसीलस सिलोम फॉर्मेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। शिजोसीलस सिलोम फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ये जो शिजोसीलस जो होती है ये मीजोडर्म से इनकी जो सिलोम है वो बनती है, इसलिए इसको शिजोसीलस सिलोम फॉर्मेशन कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम, मीजोडम की स्प्लिटिंग से ये बनती है। और दूसरे जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं उनके अंदर जो सिलोम फॉर्मेशन होती है वो होती है एंटीरोसिलोस, और वो बनती है जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है उससे बनती है। तो ये इनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर। तो मोलस्कन्स क्या होते हैं, ये प्रोटोस्टोम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं। उसके बाद सिलोम देखें, सिलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को। इनके अंदर जो सिलोम है, सिलोम रिड्यूस्ड टू ए कैविटी, मैंने बताया कि सिलोम्स रिड्यूस्ड होकर एक कैविटी बना लेता है। एंड दिस कैविटी सराउंड्स द हर्ट, नेफ्रीडिया एंड गुनार्स, इसको मेंटल कैविटी भी कहते हैं। और ये कैविटी जो है इसने सराउंड किया होता है हर्ट को, गुनार्स को और नेफ्रीडिया यानी कि जो इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं किडनीज वगैरह उनको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाली कवरिंग मैंने बनाई है इन ऑर्गन्स के ऊपर, ये ब्लू वाली क्या है, ये कैविटी है, ठीक है। और ये कैविटी, इस कैविटी ने यहाँ पर ये देखें गोनैड्स जो हैं, गोनैड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर अगर मेल है तो इसके अंदर स्पर्म्स होंगे, फीमेल है तो इनके अंदर एग्स होंगे, और अगर ये मतलब इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स हैं तो इनके अंदर स्पर्म्स और एग्स दोनों प्रेजेंट होंगे। तो ये होते हैं गोनैड्स, जिनके अंदर गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये गोनैड्स के ऊपर भी ये कैविटी कैविटी ने कवर किया उसको। और इसके अलावा ये हर्ट है, हर्ट के ऊपर भी ये कैविटी है। और यहाँ पर ये देखें नेफ्रीडियो फोर स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये जो इनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिनको जिनके अंदर किडनीज आ जाती हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो कैविटी है इसके अंदर इसने हर्ट को भी सराउंड किया हुआ है, नेफ्रीडिया को भी, और गोनैड्स को भी सराउंड किया हुआ है इस कैविटी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम।
अब मोलस्कन्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है उसको स्टडी करते हैं। ऑल मोलस्कन्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी मोलस्कन्स होते हैं इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एक्सेप्टिंग वन क्लास दैट इज सेफेलोपोडा। इसके अंदर एक्सेप्शन है, एक क्लास जो होती है मोलस्कन्स की दैट इज सेफेलोपोडा, उसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी सब के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती हैं। जो ब्लड होता है वो एक कैविटी होती है, पूरी बॉडी की जो कैविटी होती है उसी के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है। उसके ब्लड जो है उसके लिए कोई स्पेसिफिक वेन्स या फिर आर्टरीज या फिर ब्लड वेजल्स नहीं होती, तो ब्लड जो है वो ओपन ओपनली बॉडी कैविटी के अंदर मूव करता है। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर जो है ब्लड वेजल्स नहीं होती वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। और दूसरा है सेफेलोपोडा के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, जैसा कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरह सेफेलोपोड्स के अंदर भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो है हीमोसील, इसको कहते हैं, ये जो सारी है ये बॉडी कैविटी है इसकी, ठीक है, जिसको हीमोसील कहते हैं। इसकी बॉडी कैविटी को हीमोसील इसलिए कहते हैं क्योंकि हीमो का मतलब होता है ब्लड और सील मतलब कैविटी, ऐसी कैविटी जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है, कैविटी दैट इज फिल्ड विद द ब्लड इज कॉल्ड एज हीमोसील, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, और हार्ट जो है यहाँ से फिर ब्लड को पंप करता है और ब्लड जो है वो सारा हीमोसील के अंदर फैल जाता है और जितने भी हीमोसील के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन तक पहुँच जाता है। तो ये एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो कर रहे हैं मोलस्कन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर स्टडी करने जा रहे हैं रेस्पायरेशन, कि ये रेस्पायरेशन कैसे करते हैं। तो रेस्पिरेशन में आता है कि ऑल मोलस्क ब्रीथ बाय गिल्स, जो मेरिन मोलस्क होते हैं मोस्टली, जो मोलस्क होते हैं ये मेरिन मोलस्क होते हैं, दैट इज ये किससे ब्रीथ करते हैं, इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऑल मोलस्क ब्रीथ बाय गिल्स दैट आर कॉल्ड एज टीनिडिया। अब जो इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इन गिल्स को क्या कहा जाता है, इन गिल्स को कहा जाता है टीनिडिया, ये इनका नेम होता है। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम लाइक गिल्स, इनको कॉम लाइक गिल्स भी कहा जाता है और इनको फीडर्स लाइक गिल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं गिल्स का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, ये जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनको टिनिडिया का नेम दिया जाता है और इनको कॉम लाइक भी कहा जाता है यानी कि कंघी की तरह, और इनको फीडर लाइक भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ों से रिजेम्बलेंस शो करते हैं। अब गिल्स का फंक्शन ये होता है कि ये जो गिल्स होते हैं ये रेस्पायरेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ये डिफरेंट गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो गिल्स जो हैं यहाँ पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, तो होता क्या है कि यहाँ से हीमोसील्स के अंदर से जितना भी बॉडी का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ से दोबारा से गिल्स के अंदर जाता है, गिल्स के अंदर ऑक्सीजन के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर मिक्स, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर जाता है क्योंकि हमारा लंग जो है वहाँ पर ऑक्सीजन, हमें सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है, तो वहाँ पर जाकर जो है ब्लड जो है वो उसके अंदर ऑक्सीजन लेता है ब्लड उस लंग्स से। लेकिन यहाँ पर मोलस्कन्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन आ रही है गिल्स के अंदर, ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस है वो गिल्स के अंदर आ रही है, तो इसकी बॉडी का जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो गिल्स के अंदर जाएगा, वहाँ से अपने अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करेगा और फिर से हार्ट के पास आ जाएगा, और हार्ट जो है उस पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा फिर उसको पूरी विजरल मैस जो होता है उसके अंदर इसकी पूरी बॉडी कैविटी के अंदर फैला देता है। तो इस तरह होती है इनकी सर्कुलेशन, और इसी तरह इनका जो है रेस्पिरेशन जो होती है वो गिल्स के थ्रू होती है। होप सो कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे वो मोलस्कन्स जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं उनके अंदर रेस्पायरेशन कैसे होती है। सो इन टेरेस्ट्रियल रेस्पायरेशन एयर एंटर्स एंड एग्जिट्स द पैलियल कैविटी। पैलियल कैविटी जो है ये मेंटल कैविटी को ही पैलियल कैविटी कहते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर पैलियल कैविटी लिखा है, न्यू वर्ड है, लेकिन मेंटल कैविटी को ही पैलियल कैविटी कहते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि एयर एंटर्स एंड एग्जिट्स द पैलियल कैविटी एज अ रिजल्ट ऑफ पल्मोनेट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो मोलस्क्स रहते हैं उनके अंदर जो है पल्मोनेट मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है, जो पल्मोनेट मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो है वो गैसियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जो पल्मोनेट मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये पल्मोनेट मसल्स जो होते हैं ये लंग लाइक पल्मोनरी कैविटी होती है एक, दैट इज़ लोकेटेड विद इन द मेंटल, ठीक है। इनके अंदर टेरेस्ट्रियल मोलस्कन्स जो होते हैं इनके अंदर एक लंग लाइक पल्मोनरी कैविटी प्रेजेंट होती है,
ठीक है, जिसके अंदर मेंटल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। और इसके जो मसल्स होते हैं पल्मनेंट मसल्स, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जब रिलैक्स करते हैं तो उस दौरान वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और गैसेस एक्सचेंज जो है वो उनके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो मेंटल कैविटी के अंदर से ही एंटर होती है, और फिर मेंटल कैविटी के अंदर से ही वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो इस तरह होती है इनकी रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर है विद द हेल्प ऑफ मेटानेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन कैसे होती है? मेटानेफ्रीडिया की हेल्प से एक्सक्रीशन होती है फाइलम मोलस्का के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, यूजिंग ट्यूबुलर नेफ्रीडिया ऑर्गेनाइज्ड एज किडनीज दैट कलेक्ट लिक्विड वेस्टेज फ्रॉम सिलोम एंड पम्प्ड आउट ऑफ द शेल। इसके अंदर एक्सक्रीशन ऐसे होती है कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो है इनके नेफ्रीडियोफोर जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर मेंटल कैविटी के अंदर जो है इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, किडनीज प्रेजेंट होती हैं इनकी, और ये जो किडनीज होती हैं इनकी, ये इनकी जो प्रेजेंट ये सारा जो सिलोम होता है, बॉडी कैविटी जो होती है उसके अंदर से सारा वेस्ट जो होता है, लिक्विड जो होता है उसको कलेक्ट कर लेती हैं, और उसको कलेक्ट करने के बाद ये मेंटल के अंदर उसको पहुंचा देती हैं, और मेंटल जो है उसको फिर शेल जो होता है उसके अंदर पहुंचा देती हैं, और शेल जो है उसको फिर एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो इस तरह एक्सक्रीशन होती है इनकी बॉडी के अंदर से। सबसे पहले क्या होता है, किडनीज जो हैं वो सारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट लिक्विड होता है उसको कलेक्ट कर लेती हैं, फिर कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट मेंटल प्रेजेंट होता है, ये किडनी है यहाँ पर, ये मेंटल प्रेजेंट है, तो फिर ये सारा वेस्ट जो होता है वो मेंटल के पास पहुंच जाता है, और फिर ये मेंटल जो होता है इसको शेल के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो ये इस तरह इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। नेक्स्ट हम इनके अंदर देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होती है इनके अंदर वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें हम देखेंगे कि जो मोलस्कन्स होते हैं मोस्टली ये डाइओशियस होते हैं। ठीक है, मोस्टली डाइओशियस होते हैं। डाइओशियस का मतलब ये होता है कि सेक्सेस इनकी सेपरेट होती हैं। ठीक है, मेल सेपरेट और फीमेल सेपरेट, लेकिन सारी ही मोस्टली मैंने कहा है कि डायोशियस होती है, मैंने ये नहीं कहा कि सारे डायोशियस होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मोनोइशियस भी होते हैं इनके अंदर। ठीक है, कुछ स्पीशीज जो हैं उनके अंदर वो मोनोइशियस भी कहलाती हैं, जिनके अंदर एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होती हैं, दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट्स भी और फीमेल गैमेट्स भी। तो मोस्टली तो ये डायोशियस ही होते हैं, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं और इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो मोस्टली जो मैरिन मोलस्कन्स होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने जो मेल होता है वो अपने गैमेट्स को वाटर के अंदर रिलीज़ कर देता है, और जो फीमेल मोलस्क होता है वो अपने गैमेट्स को वाटर के अंदर रिलीज़ कर देता है। तो मेल्स और फी जो है मेल जो है वो स्पर्म्स को रिलीज़ कर देंगे, और फीमेल्स जो है वो एग्स को रिलीज़ कर देंगी, तो वाटर के अंदर ही फिर जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज कर देगा एक्सटर्नली। तो इस तरह इनके अंदर होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन मैंने बताया कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है। उसके अंदर हम गैस्ट्रोपोड्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिनके अंदर स्नेल्स और स्लग्स आ जाते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। तो ये मोनोइशियस होते हैं, इनके अंदर मेल और फीमेल सेक्सेस दोनों प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मोनोइशियस तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही करेंगे। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब ये करेंगे तो इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये इस तरह करेंगे कि इनकी जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल जो है वो फोल्डिंग करके एक पेनिस का स्ट्रक्चर बना लेती है, और फिर वो उस पेनिस के थ्रू अपने स्पर्म को जो जो होता है, एक जो होता है वो मेल बन जाता है और दूसरा वो है जो मोलस्क होता है वो फीमेल बन जाता है। तो इस तरह वो एक जो है अपने पेनिस के थ्रू एक स्पर्म्स को अपनी दूसरे जो मोलस्क होता है उसकी बॉडी के अंदर, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और एग को इंटरनली फर्टिलाइज कर देते हैं। तो इस तरह इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, और कुछ के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवेलपमेंट, कि इनके अंदर डिवेलपमेंट कैसे होती है। अच्छा, तो डिवेलपमेंट जो है इसमें ये होती है मोस्टली हैव इनडायरेक्ट डिवेलपमेंट। ज़्यादातर जो मोलस्क्स होते हैं इनके अंदर इनडायरेक्ट डिवेलपमेंट होती है, और इनडायरेक्ट डिवेलपमेंट ऐसी डिवेलपमेंट होती है इन विच लार्वा हैच्ड फ्रॉम द एग एंड मेटामॉर्फोज टू एन एडल्ट। ठीक है, जो इनडायरेक्ट डिवेलपमेंट होती है उसके अंदर एग जो है जब हैच करता है तो एग हैच करने के बाद उसके अंदर से लार्वा निकलता है, फिर वो लार्वा जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, डिफरेंट फॉर्म्स से गुजर कर फिर वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है, जो कि डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है, डिफरेंट लार्वल स्टेजेस से गुजरने के बाद एडल्ट बनता है, तो ऐसी डेवलपमेंट को कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।
तो ज़्यादातर जो मोलस्क होते हैं उनके अंदर इनडायरेक्ट डिवेलपमेंट ही होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है जो सेफेलोपोड्स होते हैं इनके अंदर, सेफेलोपोड्स जिसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती हैं स्क्विड्स की, ऑक्टोपस की, कैटल फिश की, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर डायरेक्ट डिवेलपमेंट होती है। तो डायरेक्ट डिवेलपमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं बनती, देर इज नो लार्वल स्टेज, एंड यंग ऑफस्प्रिंग विल हैच फ्रॉम द एग। ठीक है, एक यंग ऑफस्प्रिंग जो है वो एग के अंदर से निकलता है जिसकी फर्दर कोई डिवेलपमेंट नहीं होती, वो अपने पेरेंट की तरह ही बिल्कुल यंग ऑफस्प्रिंग होता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट डिवेलपमेंट, और डायरेक्ट डिवेलपमेंट पाई जाती है सेफेलोपोड्स के अंदर, और बाकी जो जितने भी होते हैं मोस्टली बाकी सारे जो मोलस्क होते हैं उनके अंदर इनडायरेक्ट डिवेलपमेंट होती है। तो ये तो हमने देखा कि इसकी डिवेलपमेंट कैसे होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डायग्राम को पूरा अंडरस्टैंड करें तो डायग्राम के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर माउथ जो होता है, और माउथ के अंदर एक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको रेडुला कहते हैं। दिस इज रेस्पिंग ऑर्गन दैट इज कॉल्ड इज रेडुला। माउथ जो है वो फूड को इनटेक करता है, और फूड जो है वो रेडुला के पास जाता है, रेडुला जो है फूड की ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके पीछे भेज देता है स्टमक के अंदर। फिर फूड इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर आहिस्ता 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 एनस के अंदर आ जाएगा, और फिर एनस के बाद फूड जो है यहाँ पर, ठीक है, एनस जो है ये तो कवर होता है ना, एनस के ऊपर मेंटल आ जाता है, और उसके बाद ऊपर शेल बना होता है। यहाँ पर जो गैप है इसको नहीं देखना, ये गैप नहीं होता, ये पूरा जो है कवर होता है इस तरह, ये जो पूरा मेंटल है ये पूरा इसकी बॉडी के ऊपर कवर होता है, फिर उसके ऊपर ये शेल बन जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर फूड चला जाता है एनस के पास, एनस फिर इसको मेंटल में भेजता है, और मेंटल फिर शेल के थ्रू इस वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर देता है। इस तरह इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इस तरह वर्क करता है। उसके बाद इसके अंदर यहाँ हम देख सकते हैं कि ये गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, मेंटल कैविटी होती है ये वाली, ठीक है, और इसके अंदर गोनैड होते हैं, हर्ट होता है, और यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये जो अंदर वाला सारा है इसको हीमोसील कहते हैं, और हीमोसील इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है होता है, और हीमोसील के अंदर जो है ब्लड जो है पूरे हीमोसील के अंदर ब्लड ही प्रेजेंट होता है, और इस ब्लड के अंदर इसके सारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और ये सारा जो है विजरल मैस कहलाता है, और विजरल मैस के ऊपर ये मेंटल कवरिंग होती है, और मेंटल जो है मेंटल के ऊपर फिर शेल बन जाता है जो कि मेंटल की सिक्रेशन से ही बनता है। और ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, ये रेड वाली ये नर्व रिंग है, और यहाँ पर कुछ नर्व्स जो होती हैं वो विजरल मैस के अंदर प्रेजेंट होती हैं जिनको कहेंगे विजरल नर्व कोर्स, और कुछ नर्व्स जो होती हैं यहाँ पर फुट वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं जिनको कहेंगे पैडल नर्व कोर्स। ठीक है, तो ये हमने पूरी डायग्राम अंडरस्टैंड कर ली। नेक्स्ट हम देखेंगे शेल। अब जो इनकी बॉडी के ऊपर शेल बनता है उसकी कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं उस शेल की, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। शेल, द शेल ऑफ द मोलस्क इज सिक्रेटेड इन थ्री लेयर्स। ठीक है, शेल जो है मैंने बताया कि मेंटल जो है वो शेल को बनाता है, और ये शेल जो होता है ये थ्री लेयर्स के अंदर इससे बनती हैं, थ्री लेयर्स बनती हैं और एक ये शेल बनता है। ठीक है, अब इसकी जो थ्री लेयर्स होती हैं शेल की उसकी हम नेम देखें। सबसे पहले जो इसकी शेल होती है आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इस शेल की, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ शेल इज कॉल्ड एज पेरियोस्ट्रेकम। पेरियोस्ट्रेकम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द शेल, और ये प्रोटीन इन नेचर होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद प्रिस्मैटिक जो है ये मिडल लेयर होती है, दरमियान वाली लेयर होती है, और इट इज़ द थिकेस्ट ऑफ ऑल थ्री लेयर्स। ये तीनों लेयर्स जो हैं इन तीनों में से ये थिकेस्ट होती है, सबसे मोटी होती है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे जो इनर वाली जो लेयर होती है उसके बाद इसको कहते हैं नेक्रियस, और दिस इज द इनर लेयर, और इट इज़ आल्सो फॉर्म थिन शीट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट की थिन शीट बनाती है। ठीक है, तो ये तीन लेयर्स जो हैं ये बनती हैं, और तीन लेयर्स मिलकर एक शेल बना देती हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें ये हमारे पास जो है ये शेल है ऊपर वाला, इस शेल के अंदर ये थ्री लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे ऊपर वाली ये हो गई, फिर मिडल वाली ये हो गई, और फिर ये एंड पर जो है इनर है ये। तो ये थ्री लेयर्स मिलकर एक शेल बनाती हैं, तो ये है हमारे पास आ जाती हैं शेल का स्ट्रक्चर, शेल की लेयर्स के नेम। नेक्स्ट है रेडुला। रेडुला जो है मैंने यहाँ बताया कि रेडुला जो है ये एक माउथ के अंदर एक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको रेडुला कहते हैं, जो कि फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो यहाँ हम देखेंगे रेडुला के अंदर है रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग जो वर्ड है इसके मीनिंग होते हैं रेती की तरह। रेती की तरह का मतलब ये होता है जैसे कि हम जब नेल कट करते हैं अपने नेल कटर से, तो नेल कट करने के बाद उसके अंदर एक छोटी सी रेती लगी होती है जिससे हम अपने नेल्स को इस तरह से करके इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो उसको कहते हैं कि रेस्पिंग करना। ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है, और इसी तरह ये फूड को ब्रेक डाउन करता है। तो
इसमें आता है कि इट कंसिस्ट ऑफ काइटिनस बेल्ट एंड रोज ऑफ पोस्टीरियर कर्व्ड टीथ। अब जो रेडुला होता है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो ये माउथ है, माउथ के अंदर मैंने बताया कि रेडुला प्रेजेंट होता है। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर आता है कि एक काइटिनस बेल्ट होता है, उस पर ये डिपेंड करता है, और उसके अलावा इसके ऊपर रोज ऑफ पोस्टीरियर कर्व्ड टीथ लगी होती है। ये एक पूरी रो है जिसके ऊपर पोस्टीरियर कर्व्ड टीथ लगे हुए हैं। ये टीथ है और पोस्टीरियरली ये कर्व्ड हुए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के टीथ जो कि पोस्टीरियर साइड पे कर्व्ड हुए होते हैं वो लगे होते हैं इसके ऊपर छोटे छोटे, और होते क्या है कि इट लाइज ओवर अ फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर, और ये एक फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर लाइक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे एक फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसके ऊपर ये जो रेडुला है वो प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर ये छोटे छोटे से टीथ लगे होते हैं, रेती की तरह का ये स्ट्रक्चर शो कर रहा होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस ओडोंटोफोर। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ओडोंटोफोर, ओडोंटोफोर कार्टिलेज, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है इसको ओडोंटोफोर कार्टिलेज कहते हैं, और यहाँ पर कुछ ब्लू कलर के जो मैंने बनाए हैं यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों चीज़ों का फंक्शन ये है कि जो मसल्स और ओडोंटोफोर होते हैं दे हेल्प द रेडुला टू प्रोट्यूड आउट फ्रॉम द माउथ, ठीक है। ये रेडुला को हेल्प करते हैं कि वो माउथ से बाहर निकल के, थोड़ा सा बाहर निकल के फूड की ब्रेक डाउन करे या रेस्पिंग करे। नेक्स्ट है मसल मूव द रेडुला, मसल जो होता है वो रेडुला को मूव करता है इनटू द बैक और फोर्थ ओवर द ओडोंटोफोर, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि होता क्या है, ये जो मसल्स होते हैं ये रेडुला को, ये इसके ऊपर ये वाला जो है सारा ये रेडुला प्रेजेंट है, और ये जो मसल्स होते हैं ये रेडुला को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देते हैं, किसके ऊपर, ओडोंटोफोर के ऊपर। तो ये जो रेडुला है ओडोंटोफोर के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कौन सी होती है, यानी कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, इस तरह की मूवमेंट जो होती है वो यहाँ पर होती है। ये मसल्स जो होते हैं ये रेडुला को इस पीछे खींचते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट देते हैं, फिर आगे करते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं। तो इस तरह मसल्स जो है ये ऐसे 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 करके जो रेडुला होता है उसकी मूवमेंट करवाते हैं, और ये मूवमेंट किसके ऊपर हो रही होती है, ओडोंटोफोर कार्टिलेज के ऊपर जो रेडुला होता है इस तरह मूवमेंट कर रहा होता है, और इसी तरह ये अपने फूड की ब्रेक डाउन करता है। तो ये मैंने रेडुला का स्ट्रक्चर बनाया है, तो इस तरह जो रेडुला जो होता है ये फूड की ब्रेक डाउन करता है। और इसके आगे हम देखेंगे फूड इज स्क्रैप्ड, फूड जो है स्क्रैप्ड का मतलब होता है खुरचना। तो इस तरह ये जो रेडुला होता है फूड को खुरच खुरच के पीछे भेजता रहता है अपने स्टमक के अंदर, और फिर इंटेस्टाइन के अंदर वहाँ से फूड जो है उसकी मिनरल्स जो होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन होती है, फिर जो वेस्ट होता है वो बाहर चला जाता है बॉडी से एनस के थ्रू। और उसके बाद क्या होता है, फूड स्क्रैप्ड करने के बाद उसको पास्ट कर दिया जाता है पोस्टीरियरली टू द डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। फिर फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर भेज दिया जाता है, और फिर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है थ्रू द एनस। तो इस तरह जो रेडुला जो होता है वो वर्क करता है, और ये रेडुला की डायग्राम है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था फाइलम मोलस्का के ऊपर, काफ़ी लेंथी लेक्चर था, होप सो कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फाइलम मोलस्का की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।